नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां बीजेपी में शामिल हुए हैं नंद कुमार साई और विधानसभा चुनाव के समय में कांग्रेस में शामिल हुए थे। सरकार आने पर फिर बीजेपी में शामिल हुए हैं, सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी भी साझा की है। तो विधानसभा चुनाव से पहले नंद कुमार साई कांग्रेस में शामिल हुए थे, बीजेपी छोड़ दी थी, लेकिन अब नंद कुमार साई एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि सरकार आने पर फिर से बीजेपी में शामिल हुए हैं नंद कुमार साई और सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी उन्होंने साझा की है। तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल कर चुके हैं एक बार फिर से और गौरव का विषय ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना गौरव का विषय है और ये ट्वीट किया गया है नंद कुमार साई की तरफ से, जो कि एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता हासिल की थी विधानसभा चुनाव से पहले और बीजेपी का दावा छोड़ दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से जैसे ही सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है तो बीजेपी में एक बार फिर शामिल हो चुके हैं नंद कुमार साई और उन्होंने सदस्यता हासिल कर ली और इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने साझा भी की है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, एक बार फिर से बीजेपी में नंद कुमार साय शामिल हो चुके हैं और ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है, क्या पूरी अपडेट? पूरी सोशल मीडिया पे पोस्ट के जरिए उन्होंने इसकी जानकारी दी है और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, पहले नेतापति पद छत्तीसगढ़ के रहे हैं, कई सारे पदों पर रहे और लंबे वक्त तक कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई और आज ही उन्होंने भाजपा के सदस्यता ग्रहण कर ली। अब देखना यह होगा कि उनकी अगली पारी भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सत्यप्रकाश।